तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, आज मैं हूं गाड़ी में और मैं आया हुआ हूं नोएडा, और नोएडा सेक्टर 16 और आपका सेक्टर 18 मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग केपी संत के साथ में बने रहिए गाइस, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों के बीच में गाइस लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं, सेक्टर 18 दिखाते हैं आपको। तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये चला जाता है, देख सकते हैं, गाज़ियाबाद के लिए। ये मेरे लेफ्ट में गाज़ियाबाद के लिए चला जाता है और राइट में चला जाता है नोएडा के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है। तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से ब्लॉग बना नहीं पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था गाइस, इस वजह से। तो बैक कैमरे दिखाते हैं। ये है सेक्टर 16, देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है। और ये आ जाता है सेक्टर 16 का मेट्रो स्टेशन गाइस। तो हम चलेंगे सेक्टर 18 के लिए और आपको दिखाते हैं आज इधर का एरिया किस टाइप का है गाइस, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में आप लोगों के बीच में ये ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन, देखिए आप लोग तस्वीरें। और यहाँ पर जो भीड़ भाड़ हो रही है वो देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है सेक्टर 16 और सेक्टर 18 में। तो आप अभी वहीं लेकर चलेंगे आपको सेक्टर 18 में। ये देखिए आगे रेड लाइट है शायद, DTC डिपो। तो देखिए ये आ गया यू टर्न, अब यहाँ से हम ले लेते हैं यू टर्न। मार्केट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी कि किस टाइप की बनी हुई है। देख सकते हैं गाइस सेक्टर 16, और देखिए ई रिक्शास कितने खड़े हुए हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ई रिक्शा, और इन्हीं की वजह से आज की डेट में बहुत ज़्यादा जाम होने लगा है, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं। और यहाँ आ जाती है रेड लाइट, ये रेड लाइट आ चुकी है गाइस। ये देख सकते हैं तस्वीर है गाइस, कुछ ऐसा है हमारा नोएडा। देख सकते हैं गाइस ये नोएडा सेक्टर 16 से लेकर सेक्टर 18 तक अट्टा मार्केट, और सेक्टर 18 को अट्टा मार्केट के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अट्टा मार्केट के नाम से जाना जाता है गाइस। तो ये चला जाता है आपका सेक्टर 20, सेक्टर 18 के लिए ये रेड लाइट चली जाती है गाइस, ये जो रेड लाइट है। और यहाँ से सेक्टर 18 स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए ग्रीन हो चुकी है लाइट, चलते हैं आगे बढ़ते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर देखिए चारों तरफ पुलिस वाले ही मिलेंगे आपको खड़े हुए। कुछ ऐसी तस्वीर आ रही कि सामने से सूरज पड़ रहा है गाइस, तो कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं चमक रहा। और ये मार्केट आ जाती है सेक्टर 18 की, ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पर,
ये पूरी सेक्टर 18 की मार्केट है, जिसको अट्टा मार्केट बोला जाता है गाइस, और हमारे नोएडा की सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन मार्केट यही है गाइस नोएडा के अंदर, क्योंकि अब तो ग्रेटर नोएडा में बना दी गई है, तो उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए आप लोग मार्केट देखो कि किस टाइप की ये मार्केट बनी हुई है, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर गाइस, देख सकते हैं कि किस तरीके की मार्केट और कितनी सुंदर लगती है। यहाँ पर सेक्टर 18 नोएडा, सेक्टर 18 बैब सिटी के नाम से भी ये जाना जाता है, बैब नोएडा सेक्टर 18 अट्टा मार्केट, द ग्रेट इंडिया पैलेस, जो कि वो अट्टा मार्केट के अंदर ही आता है गाइस, क्योंकि दोनों साइड में ये मार्केट देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, और पूरा ही मार्केट आप लोगों को आज दिखाते हैं अट्टा के किस टाइप का बना हुआ है। और ये चला जाता है यहाँ से लेफ्ट में गाजियाबाद के लिए गाइस, दिल्ली। अच्छा देख सकते हैं गाइस ये है बिल्डिंग, क्योंकि इसमें पहले मैं कभी आ चुका हूँ एक बार, तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। और ये सारा अट्टा मार्केट है, सारा सेक्टर 18 अट्टा मार्केट, और आपको मार्केट दिखाते हैं आज यहाँ की मार्केट कैसी है। आप लोग देखोगे आप लोगों को मजा आएगा गाइस, तो हम यहाँ से चलते हैं अंदर, आपको धीरे धीरे दिखा देंगे। देख सकते हैं इस मार्केट के हम अंदर एंटर हो चुके हैं, कुछ ऐसा मार्केट है यहाँ का, ये सेक्टर 18 का गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पुलिस घूमती हुई, देखिए क्योंकि यहाँ पर पब्लिक भी बहुत ज़्यादा रहती है, और अब मार्केट खुलना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 10:40 हो चुके हैं सुबह के गाइस, तो 11 बजने वाले हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ सेक्टर 18 का मार्केट कैसा है गाइस, काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट है, और जो बैग सिटी है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड में ये है अट्टा मार्केट। देखिए बैग सिटी ये वाला है गाइस, देख सकते हैं ये पूरा, आप लोग देख सकते हैं मार्केट किस टाइप का है ये यहाँ का, ये पूरा आज आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। ये देख सकते हैं इसका मैंने एक ब्लॉग पहले भी बना रखा है गाइस, ये देखिए कुछ ऐसा है ये, क्योंकि पहले ये बना ही बना था तो इस पर वर्क नहीं हुआ, हुआ था कुछ भी, तो चलिए अब लगा देते हैं और आपको आज पूरा ही क्लियर करके दिखाते हैं गाइस, कि यहाँ तो अभी ये है मैकडॉनल्ड्स, तो यहाँ तो है नहीं कुछ भी, चलो हम यहाँ तक वापसी कर लेते हैं। देख सकते हैं ये है बैग, ये देख सकते हैं, कुछ ऐसा बना हुआ है गाइस, देख सकते हैं चलो तो देख लो ये मार्केट सेक्टर 18 का, और यहाँ तो हो जाते हैं हम लेफ्ट,
आज पूरा ही दिखा देते हैं आपको। और ये ब्लॉग अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना आप। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। देख सकते हैं कितना मार्केट कितना सुंदर है गाइस, देख सकते हैं। ये आ गए हम बैब बन, इसका नाम है बैब बन गाइस, ये देख सकते हैं। अब इसका रास्ता आगे से भी है और पीछे से भी है, देखिए आप लोग। इसका रास्ता दोनों साइड से है, देखो इधर से है घुसने का इसमें बैब बन में। तो ये है पीछे का रास्ता गाइस, ये देख सकते हैं, क्योंकि आगे से घूमने के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब यहीं से हम चलते हैं वापसी। देखिए ये है कुछ इस टाइप का है ये बैब, अभी तो बन ही रहा है वैसे, इसमें सीसी से लग चुके हैं, बस सीसे लगा दिए क्योंकि ये कोरोना से पहले मैं आया था इसमें। हम आ गए मार्केट में दोबारा से, देखिए आप लोग एंजॉय करो बैब बन। इसका ये फ्रंट ये गेट है यहाँ का मेन गेट, तो अभी देखिए काम ही चल रहा है इस पे बैब बन पे। देख सकते हैं गाइस, क्योंकि दोनों तरह दोनों साइड में मार्केट है ये। पहले आपके इधर से दिखा देते हैं, फिर आएंगे घूमकर। ये देख सकते हैं, और वो सामने है मेन रोड। तो पहले आप ये देख लो इसको, तो हम चलते हैं इधर। आज आपको पूरा ही मार्केट दिखा देते हैं सेक्टर 18 का, कि किस टाइप का ये मार्केट बना हुआ है गाइस। पूरा ही मार्केट देखो, ब्लॉग अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा गाइस। और फिर ऐसे ही ब्लॉग्स देखो आप लोग कंटिन्यू। देखो ये है बैब बन, इसका नाम है, ऐसे ही बिल्डिंग्स ही है, टावर्स बने हुए हैं गाइस नोएडा के अंदर। और यहाँ से हम चलते हैं, अभी सीधे गए थे, अब हम चलेंगे लेफ्ट। देखिए यहाँ के जो मार्केट है और टावर से देखो वो सामने, अभी हम उधर से ही आए थे। देखिए आप लोग, दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। हम अब निकल चुके हैं बाहर, और आपको बता देना ये सारा पार्किंग एरिया है गाइस, सारा पार्किंग एरिया है।
देखिए वो सेक्टर 16 में है, जागरण, स्मार्ट टावर्स, अल्ट्राटेक। तो यहाँ से हम हो जाएंगे राइट में। तो अब हम सेक्टर 18 की मार्केट से निकल चुके हैं गाइस। तो ये बाहर का रास्ता है जो पार्किंग के लिए ले जाता है। ये देखिए, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा गाइस। तो चलिए आप सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन पर चल रहे हैं, वहाँ से फिर यू टर्न लेकर आएंगे और फिर चलेंगे हम अपने गाज़ियाबाद के लिए गाइस। तो रोड्स आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर सुंदर रोड्स बनाई हुई है यहाँ पे, देखिए आप लोग। देखिए और यहाँ पर जहाँ तक हमने स्टार्ट किया था वहीं पर मैं एंड कर देता हूँ इस ब्लॉग को। यहीं पर एंड करता हूँ गाइस। और हम चलते हैं अब अपने गाजियाबाद के लिए। देखिए गाइस अब इस पर हम हो गए हैं, तो यहाँ पर एंड कर देते हैं ब्लॉग का।